नमस्कार, सभी का फिर से स्वागत है कौशिक थिंक्स चैनल में। आज के इस विशेष दिन में, आज भारतवर्ष के विभिन्न कोने में बिहू, कहीं पे संक्रांति, कहीं पे लोहड़ी, कहीं पे पोंगल, नाम अनेक लेकिन उत्सव एक ही है, नए फसल का। ये उत्सव भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। आशा करता हूँ ईश्वर सभी का आने वाले दिनों में सभी का उन्नति करे, सभी को कुशल मंगल रखे। और पिछले एपिसोड में हमने प्रश्न पूछा था कि श्रीमान यादव पायेंग, वो श्री यादव पायेंग, तो यादव पायेंग जी एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। वो पिछले 40 सालों से हर रोज पेड़ लगाता है। तो कोई सोचेगा ये पेड़ लगाना कौन सा बड़ा काम है, लेकिन आजकल सोच लीजिए, सोचिए जितना परिवेश दूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जितना बढ़ रहा है, ऐसे समय में यादव पायेंग जैसे लोग ही असल हीरो है। उन्होंने पिछले 40 सालों में एक बंजर जमीन को जंगल में परिणत कर दिया। हर रोज पेड़ लगाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत किलोमीटर पैदल चलते उसके बाद जाके पेड़ लगाते हैं हर रोज। उनका और एक टाइटल भी है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अगर हो सके तो गूगल में उनका नाम डाल के कल कभी पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, पता चलेगा। अगर उनके मार्गदर्शन में, मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े, तो मैं होपफुल हूँ कि आने वाले दिनों में भी हम भारतवर्ष को और भी हरा भरा कर पाएंगे। और आज हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। मैं हमारे चैनल का पहला मोबाइल रिव्यू होगा आज। मैंने देखा बहुत सारे चैनल में बहुत कीमती कीमती मोबाइल का रिव्यू किया जाता है, लेकिन वो कीमती कीमती मोबाइल इतना पैसा देके खरीदने वाला होता कौन है, इतने पैसा देके खरीदता कौन है। तो देखते हैं आज, इसलिए हमारे चैनल में सिर्फ हम बजट मोबाइल का ही रिव्यू करेंगे, देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बजट मोबाइल ही लेते हैं। तो चलिए एपिसोड पे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिए और वीडियो पे लाइक देना भूलिएगा नहीं। तो ये रहा आपका पोको C3 का बॉक्स। बॉक्स पूरे येलो कलर में है। स्पेसिफिकेशन में हम बाद में जाएंगे, फिजिकल फोन देखते हैं। ये बैक से अच्छा फुल ब्लू में है, ऊपर ग्लॉसी टच में है, नीचे मैट फिनिश में है। टच में भी पता चलता है, टच भी प्रीमियम। ये कैमरा पैनल के साथ 3 कैमरा और फ्लैश लाइट है। फ्रंट में स्क्रीन के साथ बीच में एक नॉज है सेल्फी कैमरा का। नीचे चार्जिंग स्लॉट, माइक्रोफोन और स्पीकर है। ऊपर 3.5 mm का जैक है ऑडियो डिवाइस लगाने के लिए। लेफ्ट साइड में आपका पावर ऑन एंड ऑफ बटन, पावर ऑन एंड ऑफ बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। राइट साइड में आपको मिलता है सिम और मेमोरी कार्ड का ट्रे, 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं इस मोबाइल में। और इसके साथ क्या मिलता है बक्से में, आइए देखते हैं। ये है, ये रहा सिम इजेक्टर टूल। अंदर कुछ कागज है जो हम लोग देखते हैं नहीं,
आपका ब्लैक कलर में चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग ब्रिक्स नॉर्मल सा है और चार्जिंग केबल। तो ये था पोको C3 फिजिकल फॉर्म में। इसका स्पेसिफिकेशन आगे देखते हैं। तो पोको C3 हमने अनबॉक्सिंग करके देख लिया। चलिए अभी इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं। तो एज पर पोको, मीडियाटेक का जो हीलियो G35 प्रोसेसर है वो है इस मोबाइल में। ये कोई नया प्रोसेसर नहीं, बहुत दिन पुराना प्रोसेसर है, फिर भी ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, इसलिए ऑपरेशन आपका स्मूथ रहेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। कैमरा जो आपका ये बैक का जो ट्रिपल कैमरा सेक्शन है, इसमें आपको तीन कैमरा और फ्लैश लाइट का प्रोविजन है। तीन कैमरे में एक जो आपका मेन कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, मैक्रो लेंस, और तीसरा कैमरा जो है वो आपका डेप्थ लेंस है। तो ये रह गया आपका मेन ट्रिपल कैमरा का पीछे का सेटअप। जो फ्रंट सेटअप है आपका, जो सेल्फी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। आपका डिस्प्ले रेशियो हो गया 20:9 का, जो प्रोसेसर जितना सपोर्ट करता है 20:9 का उतना ही डिस्प्ले आपको दिया है। और अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर का है, तो 8,500 का मोबाइल है, इसमें भी अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर हम लोग ढूंढने लगे तो हो गया काम। लेकिन एक बात है, 5000 mAh का बैटरी है। तो नॉर्मल यूजर जो ये बजट फोन यूज़ करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, नॉर्मल वर्कर्स, स्कूल स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत है 5000 mAh का बैटरी है। इसे गेमिंग के लिए भी, आपका नॉर्मल गेमिंग जो खेलते हैं उनके लिए भी बहुत आपका बैटरी अच्छा सा बैकअप मिल जाता है, और जो नॉर्मल यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया ही है, बहुत टाइम चलेगा आपका। 3 GB का रैम है, 32 GB का इंटरनल मेमोरी है, साथ ही आपका मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, आप मेमोरी कार्ड लगा के बढ़ाइए मेमोरी। तो मुझे जितना लगता है, मेरे हिसाब से इतना बुरा नहीं है मोबाइल। कहीं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने खुद अपने पैसे से मोबाइल खरीदा है, इसे कोई मत समझिएगा कि पोको कंपनी हमको पैसा दिया है कुछ बोलने के लिए। ऐसे भी हमारा चैनल बहुत छोटा है, इतनी जल्दी प्रमोशनल मिलता है नहीं। मैंने खुद मोबाइल लिया था, मेरा प्राइमरी मोबाइल जो है वो ठीक ही है, लेकिन फिर भी मुझे और एक सेकेंडरी मोबाइल चाहिए था, तो सोचा आप सभी से शेयर करूँगा। तो मोबाइल, इस मोबाइल के ऊपर अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल मुझे भेजिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। जिनके दर्शकों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा, सब्सक्राइब करके रखा है सरकार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके दर्शकों ने अभी तक किया नहीं है, जल्द से जल्द कर लीजिए। आने वाले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, कोई नया टॉपिक लेके, कोई नया गैजेट लेके या टेक्नोलॉजी लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। हमारा चैनल ऐसे ही देखते रहिए, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।